जिस देश में प्राथमिकता जनता की जान नहीं बल्कि जनता की मतदान हो, उस देश में सिर्फ मतदान के भूखे नेताओं का पाखंड भी बहुत आसानी से दिख जाता है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमें कई ऐसे लोग दिखे जो हिपोक्रेसी की सारी सीमा पार कर चुके हैं। अभी हम लोग टॉप 6 हिपोक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए हिपोक्रेसी की भी सीमा नहीं होती है। हम लोग नंबर 6 से लेकर नंबर 1 तक की बात करेंगे। ये नंबर जैसे जैसे घटता जाएगा, इसका मतलब होगा कि उनका हिपोक्रेसी लेवल और भी ऊपर है, और नंबर घटते के साथ ही ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 पे कौन हो सकता है। टॉप 6 में से नंबर 6 पर है मध्य प्रदेश से भाजपा के मंत्री प्रेम सिंह पटेल। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमितों को, इस पे क्या कहेंगे? देखो, मैं बोलता रहा हूँ कि मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए सरकार सब कुछ जनता के ऊपर छोड़कर तमाशा देखने बैठ गई। ओह, तमाशा देखने बैठी नहीं बल्कि खुद ही तमाशा करने लगे। और कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए उल्टा यही लोग और भी ज़्यादा संक्रमण फैलाने लगे। रोक नहीं सकते थे लेकिन कंट्रोल तो कर सकते थे। और क्यों नहीं रोक सकते थे? क्योंकि चुनाव करवानी थी, इसलिए। मास्क से पहने, दूरी बनाकर रहें, और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। इनको जिंदगी की सबसे अंतिम सच्चाई पता चल चुकी है, उम्र होने पर तो मरना ही पड़ता है। बस इनका उम्र अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और इतने सारे इनसे अधिक उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनका भी उम्र अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो जनता मर रही है, उन सब की उम्र पूरा हो चुकी है, चाहे वो 25 साल के हो, 30 साल के हो, या कितने भी साल के हो, उनकी उम्र पूरा हो चुकी है, इसीलिए वो मर रहे हैं। नहीं, अब टॉप 6 में से नंबर 5 पर आते हैं हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। जहां पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को ना जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। मंत्री जी को बहुत सारी खबर आ रही है, बस ये खबर नहीं आ रही कि सही जगह पे सही समय में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। और इनको ये भी खबर नहीं आ रहा होगा कि इन्हीं के मंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स को 2-2 घंटे तक रोके रह जा रहे हैं, वो भी इस वक्त जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत हो। और इतना ही नहीं, कुछ नेता तो उसका पूजा पाठ भी करवाना शुरू कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस टैंकर को सबसे पहले चंदन नगर चौराहे पर गौरव रांदीव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इसे रोका जाता है। फिर वहां पर बीजेपी के नेता तुलसी सिलावट पहुंचते हैं और फिर मीडिया को बुलवाकर टैंकर के सामने फोटो खिंचवाते हैं और फिर भाषणबाजी भी करते हैं। उसके बाद इस टैंकर को भाजपा के MP शंकर लालवानी, MLA रमेश मेंडोला और आकाश विजयवर्गीय के द्वारा इसे ऑक्सीजन प्लांट पर रिसीव किया जाता है। फिर बैलून से सजाकर इसका पूजा पाठ भी करवाया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बीच इस ऑक्सीजन की कमी से कोई अपना दम तोड़ रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ इन लोगों ने अपना दिमाग खाली करवाने के लिए कोई कोर्स किया होगा या कोई ट्रीटमेंट करवाया होगा, या हो सकता है पहले से ही दिमाग खाली हो, हम लोग को पता देर से चल रहा है। अब टॉप 6 में से नंबर 4 पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और गंगा के पास है, माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना, तो विषय होता है ना। इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में भी अच्छे से बात कर चुके हैं। इनका कहना है कि माँ गंगा के बहाव में सब बह जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। इस बयान के कुछ ही दिनों बाद इन्हें भी कोरोना हो गया। इनका यह भी कहना है कि कुंभ को तबलीगी जमात से तुलना करना भी गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर नंबर की तुलना करें तो तबलीगी जमात के मुकाबले कुंभ मेला में तो 100 गुना से भी ज़्यादा लोग आए थे, तो फिर तुलना करना तो सच में बहुत गलत है। और कुंभ मेला में 5 दिनों के अंदर 1700 से भी अधिक COVID-19 केसेस सामने आ रहा था, और निरंजनी अखाड़ा के जो टॉप लीडर थे उनका COVID-19 की वजह से ही देहांत हो गया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो कुंभ मेला को बंद कराया गया और ना ही उसका समय कम कराया गया। अब टॉप 6 में से नंबर 3 पर है भाजपा के नेता हेमंत बिस्वा सरमा, जो कि कल ही असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अभी तक तो मेरा लगता है कंट्रोल में है, आप मास्क पहन रहे हैं, मैं नहीं पहन रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, एक व्यक्ति पहन नहीं, रहे नहीं, रहे मैं नहीं, वो भी नहीं पहन, हम लोग नहीं वो भी पहने मैं नहीं, अभी तो हजारों लोगों का मैं यही आपसे पूछने वाला था, जरूरत नहीं, इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं अभी। अरे जब सर केंद्र सरकार लगातार निर्देश, केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है यहाँ में।
मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। एग्जाम्स में बैठे बैकबेंचर्स को इनका बस 0.01% कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अरे मार्क्स नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अब मैं क्या करूं? पेरेंट्स अपना निर्देश दें बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मी इस एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएगा, जब आना होगा तब आएगा। तो मार्क्स पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा? ब्यूटी पार्लर भी चलना सही है, अभी तो सेकेंड फेज भी चला गया, तो अभी बिहू भी हम लोग करने जा रहा हूँ धूमधाम, और मेरा विश्वास है बिहू में भी नहीं होगा कोविड। ये आपने एक्सपर्ट से भी चर्चा की? जरूरत नहीं है ना, इनके लिए एक पार्लर का चलना लोगों के जान से ज्यादा जरूरी है, और ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इनके लिए सेकंड वेव चला गया है, अब किसी को कोई खतरा नहीं है। देश भर की जनता और डॉक्टर्स तो बस सपने में परेशान है, रियल में सेकंड वेव जा चुका है, बस लोगों को नींद से जगने की जरूरत है, बस बात खत्म। वैसे इनके इस इंटरव्यू को देखकर कोविड-19 क्या सोच रहा होगा? गजब बेइज्जती है। अब टॉप 6 में से नंबर 2 पर है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हिपोक्रेसी इनके सामने बहुत छोटा शब्द है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। आई पर्सनली फील दैट कोविड इफ ऑल ऑफ अस रिमेन टुगेदर एंड इफ वी हैव द राइट, आई थिंक दैट द कंट्री हैज द राइट अप्रोच, कोविड इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे आउट। राइट अप्रोच, सही में ये राइट अप्रोच इंश्योर करना जिम्मेदारी किसका है? सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय का या जनता का? और राइट अप्रोच से इनका क्या मतलब था ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। The only thing that we need to ensure is that number one to keep politics out of the war against COVID. I think that's the most important thing, which unfortunately few in our profession are also not able to understand and appreciate. इनका कहना है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमें जो सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि राजनीति को इस लड़ाई से दूर रखा जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दुर्भाग्यवश हमारे प्रोफेशन के कुछ लोग समझते नहीं हैं। सही बात है, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं समझते हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन के कहने का मतलब था कि सभी को कोविड-19 से राजनीति को दूर रखना चाहिए, लेकिन उनके अलावा वो राजनीति कर सकते हैं। कोविड-19 मैनेजमेंट के संबंध में मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखते हैं उसे लेकर हर्षवर्धन बिना मतलब के अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं। अब इनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। The second important thing is to appreciate the role of science and to appreciate and learn and also respect the contribution of science. इनका दूसरा सबसे जरूरी बात यह है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमें विज्ञान की भूमिका की सराहना करनी चाहिए। द रोल ऑफ साइंस अगेंस्ट कोविड-19, सराहना करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए और विज्ञान के योगदान की इज्जत करनी चाहिए। आयुर्वेद जो है जो भविष्य में जिस प्रकार से जो हेल्प कर सकता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, लोगों को निरोगी बनाने में, उसके बारे में कोई शक शुबा हमें नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है। ये आप खुद देख सकते हैं कि रोल ऑफ साइंस की कितनी ज़्यादा यहाँ पर सराहना की जा रही है। और ये खुद एक डॉक्टर होने के बावजूद कोविड-19 के खिलाफ एक दवाई के रूप में कोरोनिल का प्रचार करने में लगे रहे। इनके इस हिपोक्रेसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो इसे फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अब टॉप 6 में से नंबर 1 पर हैं स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर हिपोक्रेसी कोई इंसान होता तो मैं यकीन से कह सकता हूँ वो पक्का हमारे प्रधानमंत्री के जूते चमका रहा होता, या इनके बगीचे में पानी डाल रहा होता, या इनके किचन में सब्जियाँ काट रहा होता। आखिरकार हमारे प्रधान सेवक हिपोक्रेसी के जीते जागते साक्षात देवता हैं। इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। ये कैसे हो रहा है? मेरा कान खुद ब खुद बज रहा है या प्रधानमंत्री सच में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं? ओ समझ गया, मतलब ये वाले सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। कितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग है, इसे तो सभी को फॉलो करना चाहिए क्योंकि यही तो एकमात्र उपाय है कोविड-19 से बचने के लिए। कुछ लोग इस गलत फहमी में है
कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है, यह सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगे। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच पूरे देश भर को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी। कितनी सही बात है, नहीं मुश्किल में झोंक देगी नहीं बल्कि झोंक दिए। और ये कुछ लोग कौन है ये तो सभी को पता है, कोई भी हो, लेकिन ये लोग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ना ना। आम जिंदगी की छोटी छोटी सतर्कता से कैसे बड़े संकटों से पार पाया जाता है, इसका उदाहरण पूरी दुनिया ने देखा। हाँ एकदम सही बात है, पूरी दुनिया ने देखा है और इतना ज़्यादा देख लिया कि अब वो उल्टा हमें ही दिखा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा था अब वो भी देख रहे हैं, और ये रोज दिन दिखा रहे हैं क्योंकि दरबारी मीडिया तो अंधी हो चुकी है। कोरोना से भारत की लड़ाई दुनिया भर को प्रेरित कर रही है। फ्रेंड्स, इंडिया इज फॉलोइंग अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टू फर्दरिंग ग्लोबल गुड। दिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ हेल्दी बैलेंस वेलफेयर वेलबींग वेल्थ। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं ये इनके ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कौन सी अलग अलग चीजों पर आधारित है वो भी देख लीजिए। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कबाड़ कर दिया आप लोगों ने। COVID-19 भी यही कह रहा होगा, मैं जहां देख सकता हूं मुझे शिकार ही शिकार दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री अपनी सभा को संबोधित करने में लगे थे, उसी वक्त हमारे देश की जनता अपनों की चिता जलाने में लगे थे। इसके आगे और कुछ कहने के लिए बच गया है क्या? अगर आपके पास कुछ बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।